રિગ્વાસ સ્વાગત છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે રસી આપણા જીવનને સુરક્ષિત રાખે છે, પરંતુ આ વાતને પંજાબની એ નર્સથી વધુ સારી રીતે કોણ જાણી શકે કે જેને ખુદને ડાયાબિટીસ, હાઈ બ્લડ પ્રેશર છે અને તે કોરોનાને પણ માત આપી ચૂકી છે. નેટવર્ક 18 અને ફેડરલ બેંકનું જાગૃતિ અભિયાન સંજીવની અ શોર્ટ ઓફ લાઈફમાં જીવલેણ વાયરસથી બચવા માટે રસીકરણના મહત્વ અંગે લોકોને જાગૃત કર્યા છે. ત્યારે સંજીવની ટીમે ખાસ એએનએમ કલવંત કૌર સાથે અમૃતસરમાં ખાસ મુલાકાત કરી. આવો જોઈએ તેનો ખાસ રિપોર્ટ. अमृतसर शहर का बाहरी इलाका महाल, जहां एएनएम के तौर पर काम करने वाली 56 वर्षीय कलवंत कौर के लिए एक और कामकाजी दिन. एक फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मी के तौर पर इनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है. कलवंत उन एएनएम में से हैं जो कोविड-19 और दूसरी बीमारियों से बचाव के लिए लोगों का टीकाकरण करती हैं. मेरे और मेरे परिवार ने सभी ने टीका ले लिया है और मैंने भी ले लिया है. मुझे सेकंड डोज भी लग गई है. अब इससे ये है फायदा कि मुझे अभी कोरोना नहीं होगा, मैं बच सकती हूँ. इनका काम लोगों को जागरूक करने के साथ टीके से झिझक रहे लोगों का डर कम करना भी है. लोग पूछते हैं हमें शुगर है, बीपी बढ़ता है, या कई लोग ऐसे भी है जो बोलते हैं कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम है, हमें टीका लग सकता है कि नहीं लग सकता है. तो वैसे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि टीका नहीं लगना, सभी को लगता है. तो अगर इस किसकी ज़्यादा मुश्किल हो, जैसे किसी को एलर्जी हो, उसकी कोई वो हम डॉक्टर से पूछते हैं. कलवंत कौर 3 दशकों से भी ज़्यादा समय से काम कर रही हैं. इनके लिए संकट का दौर तब आया जब कोविड-19 इनके घर तक पहुंच गया. ऐसे में इनकी जान बचाने वाला कवच कोई और नहीं बल्कि कोविड के टीके की 2 खुराक ही थी. मेरे को शुगर की प्रॉब्लम है. शुगर की प्रॉब्लम के बावजूद भी मेरे को कोई मुश्किल नहीं आई. उसका यही कारण है कि मेरे को दोनों टीके लगे थे और मेरे पति को नहीं लगे थे. मैं तो यही कहूँ, मैं यही सभी को उदाहरण देती हूँ कि मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. मेरे को कोरोना भी हुआ, मैं शुगर की मरीज भी थी, फिर भी मेरे को कुछ नहीं हुआ. जबकि मेरे पति उनकी अच्छी डाइट है, उनको कोई शुगर की प्रॉब्लम, कोई बीपी की प्रॉब्लम नहीं है. वो हॉकी के प्लेयर है, अच्छी डाइट खाते हैं, अपनी कसरत करते हैं. तो उनको फिर भी इतना उनका शरीर फिट था, फिर भी उनको बहुत सारी मुश्किलें आई. ऐसी जानलेवा बीमारी को बिना किसी बड़ी परेशानी के मात देने के बाद कलवंत कौर को अच्छा महसूस होता है. मेरे को बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है कि मेरे को दोबारा ज़िंदगी मिली है. क्योंकि मैंने जितने भी लोगों को देखा है और सुना भी है कि उनको शुगर थी और उनको कोरोना हो गया और बच नहीं पाया. કોંગ્રેસે ઉઠાવ્યો અવાજ, ખેડૂતોને પૂરતી વીજળી આપવા માટે